सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जेएस ऑल इन वन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 साउथ एक्टर्स के कार कलेक्शन के बारे में, कि इनके पास कितनी महंगी महंगी और लग्जरी और एक्सपेंसिव कार कलेक्शन है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट तो करता हूँ कि अगर आप अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, रामचरण, जूनियर एनटीआर जैसे एक्टर्स के फैन है तो इस वीडियो को अभी के अभी कर दीजिए लाइक, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर को तो आप सब जानते ही होंगे, इनका पूरा नाम है नंदमुरी तारका रामा राव। जूनियर एनटीआर ने तेलुगु इंडस्ट्री में कई एक से बढ़कर एक हिट एंड ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, और अभी कुछ मंथों पहले इनकी रिलीज हुई आरआर फिल्मों ने इनकी लाइफ में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्मों रही है जिसने अच्छा खासा बिजनेस भी कर डाला है। तो आइए अब देखते हैं जूनियर एनटीआर का कार कलेक्शन कैसा है। नंबर फर्स्ट पर आती है लैम्बोर्गिनी उरस, जिसका प्राइस है 3.80 करोड़ रुपीज, यानी कि 3 करोड़ 80 लाख रुपए। नंबर सेकंड पर आती है बीएमडब्ल्यू 730 LD, जिसका प्राइस है 1.50 करोड़ रुपीज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इनके पास एक रेंज रोवर वॉक भी है जिसका प्राइस है 2.40 करोड़ रुपीज। और इनके पास नंबर फोर्थ पर जो कार आती है वह है पोर्शे 718, जिसका प्राइस है 1.30 करोड़ रुपीज, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं विजय देवरकोंडा। विजय देवरकोंडा ने साउथ इंडस्ट्री में बहुत ही कम समय में बहुत सारा नाम, फैम और पैसा भी कमा लिया है। विजय देवरकोंडा ने डियर कॉमरेड, गीता गोविंदम, अर्जुन रेड्डी लाइगर जैसी कई सुपर हिट एंड ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जिसकी वजह से इनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो आइए अब नजर डालते हैं विजय देवरकोंडा के कार कलेक्शन पर। नंबर फर्स्ट पर आती है रेंज रोवर वॉक, जो कि अभी इन्होंने कुछ ही मंथों पहले परचेस की है, जिसका प्राइस है 2.40 करोड़ रुपीस। नंबर सेकंड पर आती है मर्सिडीज बेंज सीएलए 200, जिसका प्राइस है 38 लाख रुपीस, जैसा कि आप इनकी मर्सिडीज को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर थर्ड पर जो कार आती है इनके पास वो है बीएमडब्ल्यू 520D, जिसका प्राइस है 65 लाख रुपीस। और नंबर फोर्थ पर जो इनके पास कार आती है वह है फोर्ड मस्टैंग जीटी, जिसका प्राइस है 75 लाख रुपीस, यानी कि 75 लाख रुपए। नंबर एट पर आते हैं धनुष। धनुष प्रोफेशन से एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड ये एक सिंगर भी है। धनुष ने अब तक के 40 से भी ज़्यादा फिल्में दे चुके और बहुत ही कम मूवीज इनकी जो फ्लॉप हुई है। धनुष ने बहुत सारी सुपर हिट एंड ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, और धनुष की अभी हाल ही में रिलीज हुई द ग्रे मैन फिल्मों ने इनकी अलग ही पहचान बना डाली है। द ग्रे मैन फिल्मों ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर 135 करोड़ का बिजनेस कर डाला। आइए अब देख ही लेते हैं धनुष का भी कार कलेक्शन कैसा है। नंबर फर्स्ट पर आती है रोल्स रॉयस घोष, जिसका प्राइस है 6.50 करोड़ रुपीस, यानी कि 6 करोड़ 50 लाख रुपए, जो कि इनके सबसे महंगे कार कलेक्शन में से एक है। नंबर सेकंड पर आती है रेंज रोवर स्पोर्ट्स, जिसका प्राइस है 1.1 करोड़ रुपीस। नंबर थर्ड पर इनके पास जो कार आती है वह है जैगवार XF, जिसका प्राइस है 76 लाख रुपीस। नंबर फोर्थ पर इनके पास जो कार आती है वह है मर्सिडीज बेंज S350, जिसका प्राइस है 1.60 करोड़ रुपीस, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए, जैसा कि आप इनकी मर्सिडीज को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और नंबर फाइव पर इनके पास जो कार आती है वह है फोर्ड मस्टैंग जीटी, जिसका प्राइस है 75 लाख रुपीस। नंबर सेवन पर आते हैं विजय। विजय का पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। ये प्रोफेशन से एक एक्टर, डांसर, प्रोड्यूसर एंड ये एक फिल्म मेकर भी है। विजय आज साउथ इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में शुमार होते हैं। विजय ने मास्टर, मेरसल, सरकार, थेरी, थलावा, बिगिल और भी बहुत सारी मूवीज दे चुके हैं। विजय ने अब तक 50 से भी ज्यादा साउथ इंडस्ट्री में मूवीज दी है, और बहुत सारी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है जो कि आज तक लोगों के दिलों पर राज कर रही है। तो आइए अब देखते हैं इनका कार कलेक्शन कैसा है। नंबर फर्स्ट पर आती है बीएमडब्ल्यू 520D, जिसका प्राइस है 65 लाख रुपीज। नंबर सेकंड पर आती है ऑडी A8L, जिसका प्राइस है 1.1 करोड़ रुपीज। नंबर थर्ड पर जो कार आती है इनके पास वो है फोर्ड मस्टैंग जीटी, जिसका प्राइस है 75 लाख रुपीज। और इनके कार कलेक्शन में एक टोयोटा लैंड क्रूजर भी है, जिसका प्राइस है 1.50 करोड़ रुपीज। और अगर इनके सबसे महंगे कार कलेक्शन की बात करें तो वह है रोल्स रॉयस घोस्ट, जिसका प्राइस है 6.50 करोड़ रुपीज। और हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं रजनीकांत। रजनीकांत को आज साउथ इंडस्ट्री में किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। रजनीकांत आज साउथ इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम बना लिए है। रजनीकांत आज साउथ
साउथ इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में शुमार होते हैं, जो कि पर फिल्मों के लिए 100 करोड़ रुपए तक के चार्ज करते हैं। तो आइए अब देखते हैं रजनीकांत का कार कलेक्शन कैसा है। नंबर फर्स्ट पर आती है BMW X5 जिसका प्राइस है 90 लाख रुपीज। नंबर सेकंड पर आती है मर्सिडीज बेंज GLE 250 जिसका प्राइस है 75 लाख रुपीज। नंबर थर्ड पर आती है ऑडी Q3 जिसका प्राइस है 80 लाख रुपीज। और इनके कार कलेक्शन में टोयोटा फॉर्चुनर भी है जिसका प्राइस है 42 लाख रुपीज। और अगर इनके सबसे महंगे कार कलेक्शन की बात करें तो वह है लैम्बोर्गिनी उरस जिसका प्राइस है 3.80 करोड़ रुपीज, जैसा कि आप इनकी लैम्बोर्गिनी को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। के बाद हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं महेश बाबू। महेश बाबू एक एक्टर होने के साथ साथ ही एक प्रोड्यूसर भी है। इन्होंने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी कर रखी है और बहुत ही कम फिल्में हैं जो कि इनकी फ्लॉप रही होंगी। महेश बाबू ने अब तक के 40 से भी ज्यादा फिल्में दे चुके हैं और ये पर फिल्मों के लिए 20 करोड़ से 35 करोड़ रुपए तक के चार्ज करते हैं। तो आइए देखते हैं महेश बाबू का कार कलेक्शन कैसा है। नंबर फर्स्ट पर आती है रेंज रोवर वॉक जिसका प्राइस है 2.40 करोड़ रुपीज। नंबर सेकंड पर आती है BMW 730LD जिसका प्राइस है 1.50 करोड़ रुपीज। और इनके कार कलेक्शन में एक मर्सिडीज बेंज GLS 350D भी है जिसका प्राइस है 90 लाख रुपीज, यानी कि 90 लाख रुपए। और नंबर फोर्थ पर इनके पास जो कार आती है वह है ऑडी ई-ट्रॉन जिसका प्राइस है 1.20 करोड़ रुपीज। और नंबर 5 पर इनके पास जो कार आती है वह है टोयोटा लैंड क्रूजर जो कि फॉर्चुनर का बाप है बाप, जिसका प्राइस है 1.50 करोड़ रुपीज, जैसा कि आप इनकी टोयोटा लैंड क्रूजर को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 4 पर आते हैं प्रभास। प्रभास ने साउथ इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया है। प्रभास ने बाहुबली फिल्मों से कई करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। प्रभास आज साउथ इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में शुमार होते हैं, जो किसी भी फिल्मों के लिए 60 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक के चार्ज करते हैं। और प्रभास की अपकमिंग मूवी है सालार और अदीप पुरुष, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों को 2023 में देखने को मिलेंगी। तो आइए अब नजर डालते हैं प्रभास का कार कलेक्शन कैसा है। प्रभास का कार कलेक्शन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। नंबर फर्स्ट पर इनके पास जो कार आती है वह है रोल्स रॉयस पैंटम जिसका आज ऑन रोड प्राइस है 10 करोड़ रुपए, जैसा कि आप इनकी रोल्स रॉयस को स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर सेकंड पर आती है जैगवार XJ जिसका प्राइस है 1 करोड़ रुपीज। और इनके पास एक लैम्बोर्गिनी एविंटाडोर रोस्टर भी है जिसका प्राइस है 6 करोड़ रुपए, जो कि इनकी फेवरेट कार भी है। और इनके पास एक रेंज रोवर वॉग है जिसका प्राइस है 2.40 करोड़ रुपीज। और अगर इनके सबसे सस्ते कार कलेक्शन की बात करें तो वह है टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसका प्राइस है 42 लाख रुपीज। नंबर थर्ड पर आते हैं यश। यश कन्नाडा इंडस्ट्री के किंग खान माने जाते हैं। यश ने बहुत ही कम समय में बहुत सारा नाम फेम और पैसा भी कमा लिया है। यश ने KGF चैप्टर फर्स्ट और KGF चैप्टर 2 देकर साउथ इंडस्ट्री में अपना नाम ऊंचा कर लिया है और इनकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। इनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि और भी देशों में है। तो आइए अब देखते हैं यश का कार कलेक्शन कैसा है। यश के कार कलेक्शन में बहुत सारी कार्स है। नंबर फर्स्ट पर आती है मर्सिडीज S400 जिसका प्राइस है 1.4 करोड़ रुपीस। नंबर सेकंड पर आती है मर्सिडीज बेंज GLS 350D जिसका प्राइस है 90 लाख रुपीस। नंबर थर्ड पर आती है मर्सिडीज GLC 250D जिसका प्राइस है 68 लाख रुपीस। नंबर फोर्थ पर आती है ऑडी A6 जिसका प्राइस है 65 लाख रुपीस। नंबर 5 पर इनके पास जो आती है वह है मर्सिडीज बेंज E-क्लास जिसका प्राइस है 85 लाख रुपीस। और इनके पास एक रेंज रोवर वॉग भी है जो कि अभी इन्होंने कुछ ही मंथों पहले खरीदी है जिसका प्राइस है 2.40 करोड़ रुपीस। और अगर इनके सबसे सस्ते कार कलेक्शन की बात करें तो वह है मिट्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट्स जिसका प्राइस है 29 लाख रुपीस। इनके पास और भी बहुत सारी कार्स थी जो कि इन्होंने सेल कर दी है। नंबर सेकंड पर आते हैं रामचरण। रामचरण प्रोफेशन से एक एक्टर प्रोड्यूसर एंड एंटरप्रेन्योर है। रामचरण ने RR मगाधीरा येवाळु रंगास्थलम जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी है। रामचरण आज साउथ इंडस्ट्री में सबसे रिचेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में नंबर फर्स्ट पर आते हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ तो आज 1300 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो आइए अब देखते हैं इनका भी कार कलेक्शन कैसा है। नंबर फर्स्ट पर आती है मर्सिडीज बेंज GLS 350 CDI जिसका प्राइस है 80 लाख रुपीस। नंबर सेकंड पर आती है मर्सिडीज बेंज S-क्लास जिसका प्राइस है 1.7 करोड़ रुपीस। नंबर थर्ड पर आती है एस्टन मार्टिन V8 जिसका प्राइस है 3.5 करोड़ रुपीस। और इनके पास एक रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका प्राइस है 4.4 करोड़ रुपीस, जो कि रेंज रोवर की सबसे महंगे कार कलेक्शन में से
एक है नंबर 5 पर जो कार आती इनके पास वह है मर्सिडीज मैबैक S600 जिसका प्राइस है 2.80 करोड़ रुपीज़, जो कि अभी इन्होंने कुछ ही मंथ पहले खरीदी है, जो कि बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ ये एक बॉम्ब प्रूफ कार भी है। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं अल्लू अर्जुन आप साउथ इंडस्ट्री में नंबर 1 पर आ चुके हैं, लेकिन जितने भी आपने टॉप 10 साउथ एक्टर्स को यहाँ देखा है वो अपने मुकाम पर नंबर 1 पर ही है। अल्लू अर्जुन प्रोफेशन से एक एक्टर, डांसर एंड प्रोड्यूसर है। अल्लू अर्जुन ने साउथ इंडस्ट्री में कई एक से बढ़कर एक हिट एंड ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है जो आज तक लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। अल्लू अर्जुन आउट साउथ इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में भी शुमार हो चुके हैं, जो कि अब पर फिल्म के लिए 80 करोड़ से 120 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो बात करते हैं हम इनके कार कलेक्शन के बारे में। इनके कार कलेक्शन में नंबर 1 पर आती है मर्सिडीज बेंज GLS 350 जिसका प्राइस है 90 लाख रुपीज। नंबर 2 पर आती है रेंज रोवर वॉक जिसका प्राइस है 2.4 करोड़ रुपीज। नंबर 3 पर आती है हमर H2 जिसका प्राइस है 75 लाख रुपीज। नंबर 4 पर आती है जैगवार XJ जिसका प्राइस है 1.90 करोड़ रुपीज, यानी कि 1.90 करोड़ रुपए। और इनके कार कलेक्शन में एक टोयोटा फॉर्चुनर भी है जिसका प्राइस है 42 लाख रुपीज। और इनके कार कलेक्शन में जो लास्ट कार आती है वह है ऑडी A4 जिसका प्राइस है 40 लाख रुपीज, जो कि इनके सबसे सस्ते कार कलेक्शन में से एक है। तो गाइस ये थी टॉप 10 साउथ एक्टर्स के कार कलेक्शन की वीडियो। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आप इन टॉप 10 में से किसके फ़ैन है, या आपको इन टॉप 10 में से किसका कार कलेक्शन बेस्ट लगा वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। जब तक के दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय।